स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी का लेसन नंबर 1, हु डिड द पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक्स नेवर डिड द होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड. पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था, वो मानता था कि वो बहुत ही बोरिंग है. ही प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल निंटेंडो इंस्टेंट. उसकी जगह पे वो बास्केटबॉल है, निंटेंडो एक वीडियो गेम होती है, हॉकी है, वो खेलता रहता था. हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क, डू यू वॉन्ट बी लर्न अ थिंग. उनके टीचर हमेशा उसको डांटते हुए बोलते रहते थे कि यार प्लीज तू अपना होमवर्क खुद करना सीख ले, अदरवाइज तुझे एक भी चीज़ नहीं आएगी. एंड इट्स ट्रू, समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. कभी कभी उसको लगता भी है कि उसको कुछ समझ नहीं आता है और लोग उसको इग्नोर कर देते हैं. बट वॉट कुड ही डू, ही हेट्स होमवर्क. वो क्या कर सकता है, ही हेट्स होमवर्क. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, ही ग्रैब्ड इट अवे. एक दिन उसने देखा कि उसकी जो कैट है वो एक डॉल जैसी चीज के साथ खेल रही है, उसने वो ग्रैब कर लिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल, उसने देखा तो ये कोई डॉल नहीं था एट ऑल, बट अ मैन ऑफ अ टाइनीस्ट साइज, एक छोटा सा मैन जो छोटी साइज का था. He had a little wool shirt with the old fashioned breeches and the high tall hat much like a weed. यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि उसने एकदम old fashioned breeches पहनी हुई थी. breeches मतलब short trouser. यहाँ पे spell थोड़ा funny दिखाने के लिए writer ने लिखा हुआ है. And he yell, उसकी high जो उसके सिर पे ऊपर जो weed जैसे उसने cap पहनी हुई थी triangle की. He yelled, save me, don't give me back to that cat. और वो जोर से चिल्लाया बोला, save me, मुझे वो कैट को मत दो. I'll grant you a wish, I promise you that. उसने बोला मैं आपको विश दूंगा, मैं प्रॉमिस वो पूरी करूंगा. पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. उसको बहुत ही खुशी होने लगी पैट्रिक को कि कितना मजा आएगा मुझे एक विशिंग, ये कोई जादू वादू करेगा और मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा. मन में मन सोच रहा था मैं अपने सारा होमवर्क उससे करवा लूंगा. हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम. सो ही सेड ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट इज अ 35 days. तो 35 days तक मेरा होमवर्क करेगा तो इफ यू डू गुड इनफ जॉब I could get the ace. उसने बोला कि अगर तू अच्छा जॉब करेगा तो मुझे ए मिलेंगे. The little man face wrinkled like the disc clothes thrown in the hamper. उसका जो face था वो ऐसा लगता है ना, hamper मतलब basket with the lid. मतलब उसका फेस ऐसा बंद हो गया, उसको कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या करना क्या है. He kicked his leg and doubled his fist and he screams and scrawls and purses his lips. Oh, I'm cursed, but I'll have to do. वो अपने आप को कोसने लगा और लिप्स को ऐसे बाइट करके एक्सप्रेशन लेने लगा कि गुस्से में है, डिसगस्ट है, या फिर उसको नहीं पसंद ऐसा करना कि मतलब मेरे को श्राप मिल गया हो, अभी मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया है. एंड द ट्रू टू हिज वर्ड्स द लिटिल एफ बिगेन टू डू द पैट्रिक्स होमवर्क. और सच्ची में पैट्रिक्स का होमवर्क वो छोटा सा एफ करने लगा. एक्सेप्ट देर वॉज अ वन ग्लिच, द एफ डिड ऑलवेज नो वॉट टू डू. एल्फ को कुछ पता ही नहीं था कि उसको क्या करना है. सो ही ऑलवेज आस्क फॉर द हेल्प टू द पैट्रिक्स के हेल्प मी ही सेड एंड पैट्रिक्स वुड हेल्प टू हिम. और पैट्रिक्स उसको मदद करता था जब वो भी जरूरत पड़ती थी. द एल्फ क्विक वाइल रीडिंग द पैट्रिक्स होमवर्क, जब पैट्रिक्स का होमवर्क रीड करता था एल्फ बोलता है आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे नहीं पता है, गेट मी योर डिक्शनरी, मेरे लिए डिक्शनरी ला दो. नॉट वॉट इवन अ बेटर, लुक अप द वर्ड साउंडेड आउट बाई ईच लेटर. एक एक लेटर को मेरे को साउंड करके बता कि उसका मतलब क्या होता है. मतलब इन शॉर्ट एफ को ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही थी और वो कैसे करते उसको भी नहीं पता था. वेन इट कम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ द लक. जब भी मैथ्स की बारी आती है तो पैट्रिक्स का बैड लक हो जाता है. व्हाट्स आर द टाइम टेबल, एल्फ उसको क्वेश्चन पूछता है ऐसे स्ट्रिक्ट होके. स्ट्रिक्ट मतलब एकदम हाई पिच, एकदम शॉर्ट क्राई करके, मतलब गुस्से में आके. ये टाइम टेबल क्या होता है, वी एल्स नेवर नीड दैट. हम लोग को कभी जरूरत ही नहीं पड़ती ऐसे टाइम टेबल की. एंड एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन, डिविजन सब्ट्रैक्शन, ये सब क्या है. हियर सिट डाउन बिसाइड मी और मुझे गाइड कर. एल्व्स नो नथिंग्स ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री. एल्व्स को ह्यूमंस के बारे में कुछ नहीं पता होता है. सो इसके लिए वो मिस्ट्री होती है. सो द एल्व्स लिटिल ऑलरेडी शाउटेड एंड जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, मुझे बुक चाहिए, लेके आओ, ज़्यादा से ज़्यादा बुक लेके आओ, मुझे हेल्प करो, मुझे रीड करने में मदद करो, वैसे करके उसके ऊपर चिल्लाता था. एज अ मैटर ऑफ द फैक्ट एवरी डे इन एन वे दैट द लिटिल एल्फ वॉज नैग. नैग मतलब किसी को बारी बारी कंप्लेन करते रहना. ही वॉज ऑलवेज नैगिंग एवरी डे, वो पैट्रिक्स को कंप्लेन करता रहता है. पैट्रिक्स वॉज वर्किंग हार्ड देन एवर एंड वॉज इट ड्रैग. और वो पैट्रिक्स हार्डवर्क करता रहता है पूरे ड्यूरेशंस में उसको मदद करने के लिए. एंड वॉज अ ड्रैग मतलब समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग. और वो बहुत ही ऐसा अपसेट जैसा हो जाता है. वो स्टेइंग अप नाइट, वो रात रात भर जागता है. नेवर फील सो वियरी, उसको कभी भी ऐसा अजीब नहीं पहले लगा था. वॉज गोइंग स्कूल विद हिज आई पफ एंड ब्लरी, उसकी आईज एकदम पूरी सूज जाती है और ऐसे स्कूल जाता था. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव देन एफ वॉज फ्री टू गो. लास्ट दिन आया स्कूल का और एफ यहाँ पे फ्री हो गया. एज फॉर द होमवर्क देयर वर नो मोर, अब होमवर्क नहीं बचा था. तो क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप आउट द बैक डोर, वो सीक्रेटिवली पीछे के डोर से भाग गया. जो एल्फ था वो भाग गया.
पैट्रिक्स गोज एज हिज क्लासमेट वो अमेज पैट्रिक्स के स्कूल में उसको एज आया और वो बहुत उसके क्लासमेट बहुत ही शॉक हो गए. टीचर ने स्माइल किया और उसकी तारीफ की एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू द पैट्रिक्स. उनके पेरेंट्स सोचने लगे कि पैट्रिक्स को क्या हो गया, अब ये मॉडल किड्स कैसे हो गया. क्लीन हिज रूम डिड हिज कोरस चीयरफुल नेवर रूड, कभी भी रूड नहीं होता है, खुश होता है और हमेशा न्यू एटीट्यूड उसमें क्रिएट हो गया, एक नया ही पैट्रिक बन गया है. यू सी इन दैन पैट्रिक स्टिल थॉट दैट ही हैड मेड द टाइनी मैन डू हिज होमवर्क. पैट्रिक्स को लास्ट तक ऐसा ही लगता है कि उसने वो एल्स के पास सारा काम कराया. आई शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी. पर जो हमारे राइटर है कैरोल्स मोस वो बोलता है इट वॉज नॉट पैट्रिक, एल्फ हैड डन इटसेल्फ. ये होमवर्क एल्फ में नहीं पैट्रिक्स ने खुद किया था. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में.